आपके बीच भोजपुरी पृष्ठभूमि का वो लड़का आज जो बिहार झारखंड ही नहीं हिंदुस्तान का पताका फहराकर पूरे विश्व को नाम किया है, आज भोजपुरी का वो कृष्ण जो आज कलयुग में भी कलयुग के महाभारत में जब जिस तरह से कृष्ण बनकर दिखाया, भोजपुरी में अर्जुन बनकर दिखाया, इस हस्ताक्षर के लिए जो तालियों का महोत्सव खड़ा कर दीजिए। पवन सिंह किसी नाम का मोहताज नहीं, पवन सिंह एक आस्था का नाम है, पवन सिंह एक श्रद्धा का नाम है, पवन सिंह मोहब्बत का नाम है। एक मोहब्बत बड़ी जोरदार ताली बजाकर सम्मान दीजिए लभुआनी की धरती से पवन सिंह को। और बड़े भैया सतप्रकाश भैया जिस तरह से आज मंदिर का दूसरा निर्माण करवाया लभुआनी की धरती पर, तीसरा मंदिर गणेश जी का बनने जा रहा है, और बड़े भाई पवन सिंह सबसे बड़ा सहयोगी है इसमें, और मेरे स्वामी जी श्री सुंदर राज स्वामी जी हमारे बीच हैं। मैं चाहूंगा जोरदार ताली बजाकर स्वामी जी के मोहब्बत में स्वामी जी के सम्मान में ताली बजा दीजिए और बोलिए संत श्री सुंदर राज स्वामी जी महाराज की जय। जय सतप्रकाश जैसे महान व्यक्ति की बोला बोला बजरंग बली हनुमान जी महाराज की। आइए आइए शांति से आप लोग शांति बना कर रहिए। स्वामी जी मंच पे जल्दी आते नहीं, आप लोगों को देखा भी होगा, लेकिन बड़ी हृदय से मानते हैं स्वामी जी पवन सिंह जी को, बड़ी हृदय से चाहत है। इनके गले में जो सरस्वती है, सरस्वती को देखकर, उस गंगा के कलकल चलचहिलोर के देखकर, उस मोहब्बत और चाहत को देखकर हमारे स्वामी जी भी मंच पे हैं। स्वामी जी हमारे संत श्री सुंदरदास स्वामी जी सम्मान देंगे, आशीर्वाद और मोहब्बत का एक महोत्सव खड़ा कीजिए ताली बजाकर। हमारे स्वामी जी सम्मान करेंगे पवन सिंह जी को, स्वामी जी के दिल में बात करते पवन सिंह जी। और सबसे बड़ी बात है संत का तपो मूर्ति का आशीर्वाद पवन सिंह ने लिया, और आस्था विश्वास के साथ जिस तरह पवन सिंह का दिल हृदय बागम बाग हो गया, हम चाहेंगे फिर से उत्सव भरी तालियों का महोत्सव खड़ा कर दीजिए। आप लोग जोरदार ताली बजा दीजिए भैया फिर से आप लोग एक बार। अब हम चाहेंगे बड़े भैया से प्रकाश भैया चुनरी से सम्मान करेंगे पवन सिंह जी को, चुनरी से सम्मान करेंगे।